हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभवित रवि के मैथ्स में। अब दोस्तों आपकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 16.1 राजस्थान कक्षा नंबर 8। अब 16.1 का आपका क्वेश्चन नंबर है 1। ये क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारी किताबों में है तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, समझना भी जरूरी है। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करोगे। आंकड़ों को दर्शाने के लिए आंकड़े हम किस प्रकार बनाते हैं, जैसे मान लो ये कोई आपका रेखा है, दो रेखाएं। अब देखो आंकड़े हम इसी प्रकार से बनाते हैं, हमारे आंकड़ों का प्रबंधन इसी प्रकार से होते हैं। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, उसने एक पारी में 20 रन, 30 रन, 50 रन इस प्रकार बनाते हैं। या कोई विद्यालय है, उसमें 50 छात्र 50% बनाते हैं, 70 छात्र 80% बनाते हैं, और 90 छात्र 30% बनाते हैं। तो इस प्रकार हम आंकड़े बनाते हैं। अब पहला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि घर में उपलब्ध विभिन्न अनाजों की मात्रा, क्या इससे आय चित्र बनेगा। अब बताओ घर में तो गेहूं होता है आपका, गेहूं भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है। अब आय चित्र तब बनेगा जब उनके अंदर वर्ग अंतराल बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग अंतराल। अब बताओ क्या हम ऐसे वर्ग अंतराल बनाएंगे, गेहूं बाजरा, गेहूं बाजरा, या बाजरा चावल, ऐसे तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि घर में क्या है, गेहूं है, बाजरा है, फिर उसके बाद चावल है, तो इस प्रकार बनेगा। तो पहले क्वेश्चन का वर्ग अंतराल नहीं बनेगा, इसके लिए इसका लगा दिया हमने क्रॉस। अब दूसरा देखो, अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई, इसका वर्ग अंतराल बनेगा। कैसे बनेगा देखो, वर्ग अंतराल जिसका बनता है उसमें क्या बनेंगे, आयत चित्र बनेंगे। इसका वर्ग अंतराल बनेगा, वर्ग अंतराल। अब देखो कुछ छात्र 5 फुट से लेकर 6 फुट के होते हैं, मान लो 10 छात्र हुए, उसके बाद 6 से 7 फुट के कितने छात्र हुए, 12 छात्र हो गए, फिर 7 से 8 फुट के कितने छात्र हो गए, 8 छात्र हो गए। तो जिनके अंदर वर्ग अंतराल बनता है उनमें तो क्या बनेगा, आयत चित्र। अब ये देखो ये एक आयत चित्र है, ये एक पूरा आयत चित्र है, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन में आयत चित्र बनेगा। किसके मध्य बनेगा, जिनके अंदर वर्ग अंतराल बनेगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन लगा देते हैं राइट। अब अगला देखो, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्या, 5 कंपनियां है वो भी अलग अलग, तो इनके अंदर वर्ग अंतराल नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो कोई कंपनी का नाम ए है, बी है, तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे, ए और बी ऐसे वर्ग अंतराल थोड़ी बनेगा, इनके मध्य 5 कार बने नहीं, ऐसे बनाएगा। देखो ए कार, बी कार, सी कार, जैसे ए कार के ए कंपनी के अंदर बनी 5 कारें, बी कंपनी के अंदर बनी 6 कारें, और सी कंपनी के अंदर बनी 7 कारें। तो बताओ इनके अंदर क्या वर्ग अंतराल बन रहा है, इस प्रकार 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, रोम होगा, ठीक है। अब अगला देखो, एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 से 2 फिर 2 बजे तक गुजरने वाहन वाले वाहनों की संख्या, इसमें वर्ग अंतराल बनेगा। कैसे बनेगा देखो दोस्तों, जैसे मान लो कि 8 से 9 बजे के बीच 10 छात्र गुजरे, तो बताओ 8 से 9 बजे के बीच कितने छात्र गुजरे, साधन गुजरे, आपके वाहन गुजरे 10, तो इनके अंदर वर्ग अंतराल बन रहा है। उसके बाद 9 से मान लो 10, तो इसके बीच में मान लो 5 वाहन गुजरे, उसके बाद मान लो 10 से 11 इसमें गुजरे 3 वाहन, उसके बाद 11 से 12 4 वाहन गुजरे। तो जिनके अंदर वर्ग अंतराल बनता है उसमें क्या बनता है, आयत का चित्र बनता है आंकड़ों में। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, राइट ऑप्शन लगा देंगे। अब अगला देखो, आपकी कक्षा के सभी छात्रों के घर से विद्यालय की दूरी, आपके आपकी कक्षा के सभी छात्रों के घर से विद्यालय की दूरी, मान लो कोई विद्यार्थी का विद्यालय 5 मीटर से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लो 5 छात्रों का घर 5 मीटर से 30 मीटर के दायरे में आता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका घर 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में आता है, जैसे मान लो 7 छात्र है। उसके बाद कुछ छात्र हैं 50 मीटर से 100 मीटर के दायरे में किसी का घर आता है, यानी कि 8 छात्र का आता है। तो इनके मध्य क्या बन रहा है, वर्ग अंतराल
बन रहा है। तो जिनके अंदर वर्ग अंतराल बनता है उसमें क्या बनता है, आयत का चित्र बनता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट होगा। ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको पूरा पूरा देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय। एंड देखते रहिए हमारा चैनल अनमोल त्रिवेदी मैथ्स को।